श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने आज अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर खास तौर पर मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामनिवास रावत के समर्थन में एक रोड शो भी किया। उन्होंने कहा, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में आयोजित रोड शो में सहभागिता कर जनता जनार्दन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करने का अनुरोध किया। रोड शो में मिला अभूतपूर्व प्रेम व अपनत्व जीवंत प्रमाण है कि उस उपचुनाव में विजयपुर की देवतुल्य जनता कमल का बटन दबाकर डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर मुहर लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक सभा को भी संबोधित किया। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग लाडली बहना योजना के लिए खूब झूठ बोलते रहते हैं। चुनाव के पहले कहते थे कि यदि भाजपा चुनाव जीत गई तो योजना बंद कर देगी, लेकिन क्या योजना बंद हुई, उल्टा 250 रुपये और बढ़ा दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार है और हमारी सरकार जो कहती है वो करती ही है। आप यहाँ से रामनिवास रावत को जिताइए कि यहाँ की जो भी बहनें लाडली बहना के लाभ से छूट गई है उनका नाम भी लिस्ट में जोड़ा जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने 1000 रुपये महीना लाडली बहना को देना शुरू किया, फिर हमारी सरकार ने इसे 1250 रुपये कर दिया। इसे हम 3000 रुपये महीना तक इसे लेकर जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। हम आप पर भरोसा कीजिए और भाजपा को जिताइए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव विजयपुर श्योपुर के विकास का चुनाव है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की धरती को विश्व पलटने पर पटल पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आएंगे जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आपके क्षेत्र के विकास के प्रतिबद्ध है। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रामनिवास रावत हमेशा इस बात की चिंता करते थे कि विजयपुर का विकास कैसे हो, कैसे यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदले। तो एक बार मैंने उनसे कहा था कि आप इसके लिए पंजे को छोड़ो और कमल को थाम लो तो विजयपुर की तस्वीर भी बदलेगी और विजयपुर की तकदीर भी बदलेगी। इसलिए विजयपुर के लोगों के लिए, भले के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए वे भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने कहा कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही बीजेपी से जुड़ा रहा, किसी वजह से मैं कांग्रेस में चला गया, मेरी घर वापसी हुई है। जिनके विकास की तड़प देखो, कई सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता से इतना प्यार करते कि अपने बीच में विकास के मामले में जब आए तो उन्होंने कहा मैं मेरे क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, उनके कहे अनुसार मैं पार्टी में आऊंगा। पूरी जनता इकट्ठी की और सबके बीच विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थमा, जोरदार बयान करवाया सराया जी रावत जी का। और उनके साथ जब आज हमारे मंच पर बैठे हैं आपके प्रभारी मंत्री पंडित जी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सातों समाज हमारे साथ है। राकेश शुक्ला जी ब्राह्मण समाज के हमारे नेता, जोरदार अभिनंदन करो आपके प्रभारी मंत्री जी का। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे जैसे चुनाव के आचरण संहिता हटेगी, प्रभारी मंत्री के माध्यम से सरकार सभी विकास के काम लगातार चलाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। एडल सिंह कंसाना जी, गुर्जर समाज के नेता, हमारे कृषि मंत्री, जोरदार अभिनंदन करो गुर्जर समाज के हमारे बड़े नेता एडल सिंह जी के लिए। जहां जाते हैं अपना जलवा बिखेर देते, अपनी बात, अपना व्यवहार, अपना आचरण, जोरदार अभिनंदन करो ऐसे ऐसे मंत्री, ये सारे विकास के मामले में आपके साथ आए हैं। हमारे किरार समाज के नेता और यशस्वी बहुत जोरदार नेता श्री नरेश तिवारी, यहाँ हमारे बड़े संख्या में माताएं बहने बैठी है। हमारी पार्टी तो इसी बात को सदैव लेके चलती है, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति माता बहनों को पहले प्रणाम करती है, उनका पहला स्थान देती है, ये हमारी पार्टी का चरित्र। इसलिए नाम भी रखो तो क्या, सीता राम राधे कृष्ण, हमारी माताओं का नाम पहले लेते। और इसीलिए हमारी पार्टी के नेता ने भी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे पहले चूल्हा जलाने के लिए बड़े लोगों के लिए गैस का चूल्हा आता था, लेकिन आपके यहाँ हमारे इस योजना के माध्यम से विजयपुर के अंदर 65,000 बहनों को गैस कनेक्शन का लाभ मिल रहा है, जोरदार अभिनंदन करो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने कभी गैस का कनेक्शन नहीं दिया,
और हमने भी जो वादा किया था कि 450 रुपया हम आपको देते रहेंगे, जोरदार अभिनंदन करो, ये जवान भारतीय जनता पार्टी की है। और लाडली बहनों के लिए तो कहना ही क्या है, आज तक कांग्रेस के पेट में मरोड़े छूटते जब भी लाडली बहना की नाम निकलती है, उन्हें तो कोड़ी भी दी नहीं कभी, वो आगे बढ़े नहीं। हमारा कलेजा देखो, ये हमने कहा था कि बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार इनके